केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार ने भी राज्य सरकार के कर्मचारियों यूपीएस के लिए यूपीएस योजना लागू करने की घोषणा की है। इसलिए राज्य के अधिकांश कर्मचारी और अधिकारी संघों ने हड़ताल स्थगित कर दी है। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता वाले शहरी विकास विभाग में महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद कैडर के अधिकारियों को महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक शहर अधिनियम 1965 की धारा 75 के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा दिया गया है। इसकी पुष्टि नगर विकास विभाग ने भी कर दी है। तदनुसार जब संबंधित अधिकारियों को सेवा आईडी देने का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास गया तो वित्त विभाग ने अधिकारी के सरकारी कर्मचारी नहीं होने की त्रुटि कर दी, जिससे राज्य के लगभग 3000 कैडर अधिकारी सेवा आईडी से वंचित हो गए। कई अधिकारी 2010 से 2012 तक कार्यरत है और अब तक उन्होंने पुरानी पेंशन या नई पेंशन कोई भी योजना लागू नहीं की है। नगर परिषद के कर्मचारी शहर में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। वहीं नगर परिषद और नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी चुनाव जनगणना, कोविड-19 महामारी, आपदा प्रबंधन, माझी लाड़की बहन योजना जैसे अतिरिक्त कार्यों में व्यस्त है। सभी शासकीय कार्य पूर्ण करने के बाद भी शासन निदेशालय एवं शासन द्वारा समयबद्ध पदोन्नति, समय पर वेतन, वेतन आयोग का अंतर, महंगाई भत्ता अंतर, ग्राम पंचायत से लेकर नवगठित नगर पालिका में शामिल करने में देरी करने पर कर्मचारियों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। नगर परिषद संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसे कई लाभ नगर परिषद प्रशासन निदेशालय और सरकार की ओर से नगर निगम कैडर के अधिकारी कर्मचारी देने में हो रही देरी से कर्मचारियों ने गहरी नाराजगी जताई है। इसके साथ ही नगर परिषद कर्मचारियों के लिए अब तक कोई भी पेंशन योजना लागू नहीं की गई है। नगर पालिका में नियुक्त अनेक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा के दौरान असामयिक मृत्यु हो गई, उनके परिवार को पेंशन का कोई लाभ नहीं मिला। सुनिश्चित प्रगति योजना का लाभ सरकार के अन्य विभागों की तरह नगर परिषद के स्थापना कर्मचारियों के साथ साथ संवर्ग के अधिकारियों को आज तक नहीं दिया गया है। इसके खिलाफ 3 संगठनों महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद कैडर ऑफिसर्स एसोसिएशन, नगर परिषद, महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कैडर कर्मचारी संघ और महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद स्वच्छता कर्मी एसोसिएशन ने एक साथ आकर हल्ला बोल दिया है। तदनुसार नगर परिषद कार्यालय वाड़ी में कार्यरत कैडर अधिकारी और नगर परिषद प्रतिष्ठान के कर्मचारी ने 29 अगस्त 2024 से पुरानी पेंशन सेवा के साथ नई पेंशन सहित किसी भी पेंशन योजना के क्रियान्वयन और कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद कैडर ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है। प्रदेश के नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अधिकारी लंबे समय से अनेक समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान उप मुख्य अधिकारी गौरव गाड़के, टैक्स अधिकारी दिनेश बुधे, लेखा परीक्षक अतुल सरदार, अमोल सोनसरे, प्राची लांजीवार, सुषमा भालेकर, नंदन केडाम, नितेश घोरमारे, योगेश जहांगीदार, भाग्यश्री टोंगसे, मुकेश महातो, मनोहर वानखेड़े, भारत ढोके, कमलेश तिजारे, अशोक जाधव, माधवी भिलावेकर, रमेश कोकाटे मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटना अध्यक्ष माननीय श्री कैलास चव्हाण साहेब तथा महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद कर्मचारी संघटना प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री डी पी शिंदे साहेब यांच्या वतीने दिनांक 29 ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्यामध्ये महाराष्ट्र नगर परिषद अधिकारी तथा कर्मचारी यांचा संप बेमुदत संप सुरू आहे। यामध्ये नगर परिषद वाढीतर्फे संपूर्ण अधिकारी तथा कर्मचारी या संपामध्ये सहभागी आहेत। आमच्या मागण्या या अतिशय मूलभूत स्वरूपाच्या असून प्रमुख मागण्या ही आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की जुनी पेन्शन ही 2005 संपूर्ण राज्यामध्ये बंद करण्यात आली आणि नवीन पेन्शन योजना म्हणजे राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली। ही योजना महाराष्ट्र शासनाच्या इतर सर्व शासकीय विभागामध्ये लागू असून फक्त नगर विकास विभागामधील नगर परिषद संवर्ग अधिकारी तथा कर्मचारी यांना या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही। 2005 म्हणजे अद्यापर्यंत 19 लुटून गेले, परंतु शासनाचं याकडे दुर्लक्ष आहे। अजूनही आम्हाला प्राण नंबर मिळालेला नाही, आमच्या वेतनामधून कपात केलेला, आमच्या वेतनामधून 10% कपात केलेला आणि नफामधून 14% कपात केलेला, असा संपूर्ण 24% हिस्सा हा आमच्या नगर परिषद लेवलवरती एक स्वतंत्र खाते ओपन करून त्यामध्ये ठेवण्यात आलेला आहे। त्याचा कुठल्याही प्रकारे विनियोग अजूनपर्यंत झालेला नाही। आमचा संवर्ग कर्मचारी किंवा नगर परिषद कर्मचारी सेवेमध्ये जर मृत्यू पावला तर त्याला कोणता लाभ मिळेल, कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळेल किंवा नाही, याबाबत अजूनही सर्व संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये संवर्ग अधिकारी तथा कर्मचाऱ्यामध्ये संभ्रम तयार झालेला आहे। आमच्या प्रमुख मागण्यामध्ये
आश्वासित प्रगती योजना 10-20-30 महाराष्ट्र शासनाच्या इतर विभागामध्ये लागू असून फक्त नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी तथा कर्मचारी यांना अजूनही आश्वासित प्रगती योजना लागू झालेली नाही। याबाबत शासनाने गांभीर्यपूर्वक विचार आमच्याबाबत करण्यात यावा। तसेच नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी यांना शासकीय दर्जा देऊन सेवार्थ आय डी देण्यात यावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे। तसेच नगरपरिषद कर्मचारी यांना शालार्थ आय डी देऊन त्यांना नगरपरिषद राज्य संवर्ग घटक श्रेणी क पदावर 25% जागा स्वतंत्र परीक्षा घेऊन तसेच सेवाज्येष्ठतेने भरण्यात याव्या। तसेच ग्रामपंचायतकालीन कर्मचारी यांची सेवा ग्राह्य धरण्यात येऊन त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी। या आमच्या प्रमुख आणि बेसिक स्वरूपाच्या मागण्या असून याबाबत शासनाने विचार करावा अशी आमची संपूर्ण महाराष्ट्रभरातील नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी तथा कर्मचारी यांची मागणी आहे। एनबीसी न्यूज के लिए वाडी से संवाददाता की रिपोर्ट।